नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 जून है और दिन है शनिवार। आज सरसों बाजार पिछले तीन दिन की तरह से ही तेजी की तरफ बढ़ रहा है और एक शानदार तेजी के बाद जो सलोनिक प्लांट का भाव शमशाबाद, आगरा और दिगनेर का 6600 रुपये तक आज पहुंच गया है। आज इस बाजार में, इस प्लांट में 50 रुपये तक की तेजी दर्ज हुई है। हालांकि गोयलकोटा का प्लांट 6000 पर ऑलरेडी है और उसका भाव अभी आज कोई बढ़ा नहीं है, आज भाव स्टेबल है। दूसरे प्लांटों में भी 25-25 रुपए की तेजी दर्ज हुई है, कुछ प्लांटों में भाव स्टेबल भी हैं। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भाव 25 रुपए बढ़ा है, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था। इसी तरह से जयपुर का भाव भी 25 रुपए बढ़ा है और भरतपुर मंडी का भाव जो कल के भाव पर खुला था यानी 5771 रुपये, लेकिन इस समय जो भाव है वो है 5800 से लेकर 5825 रुपये। आज भी जो दैनिक आवक है वो 3.5 लाख बोरी तक ही सिमटी हुई है। किसी ने पूछा था कल के वीडियो के बाद में कमेंट में कि पिछले साल इन दिनों कैसी आवक थी, तो पिछले साल ठीक इसी दिन यानी 29 जून 2023 के दिन 4 लाख बोरी की आवक थी और उससे ठीक 2-3 दिन पहले यानी आप 25-26 जून की बात करें पिछले साल की, तो 6-7 लाख बोरी की आवक थी। और यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से या 1 हफ्ते से आप कहें कि 4 लाख बोरी के आसपास ही आवक बनी हुई है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले साल फसल इस साल की तुलना में कमज़ोर बताई गई थी, कम बताई गई थी। इस बार बिजाई ज़्यादा बताई गई थी, उत्पादन बहुत बड़ा बताया गया था, उसके बावजूद ये हालत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो उत्पादन है इस साल का, ये पिछले साल से भी काफ़ी कम है। अब बात आती है कि जो एजेंसियों के पास, नेफेड हेफेड के पास जो 22 से 27 लाख टन बता रहे हैं, कुछ 22 कुछ 27, ठीक आंकड़ा नहीं मिल पाया है, लेकिन करीब करीब हम 22 मानते हैं कि 22 लाख टन सरसों उनके पास पड़ा है। ये सरसों किस काम आता है? आम तौर पर ये सरसों दिवाली के आसपास जब सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है और सरसों के दाम थोड़े से ऊंचे होने लगते हैं, तब तेल की महंगाई को रोकने के लिए सरसों को खुले बाजार में सरकारी एजेंसियां निकालती हैं। लेकिन इस साल जो स्थिति अभी बन गई है उससे इस 22 लाख टन सरसों के बाजार में आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही। बाजार तो कुछ ना कुछ तो दबाव महसूस करेगा ही। ये अलग बात है कि एकदम से जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि जैसे इस तरह की बिक्री आती है तो 250-300 रुपये बाजार एक एक दिन में टूटता है, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। दबाव आ सकता है, एक बार 100 रुपये का आएगा, फिर बाजार 50 रुपये का दबाव आएगा, फिर 100 रुपये का आएगा, ऐसे करके आएगा 200-300 का दबाव ही, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, एक दिन में इस तरह का दबाव आ जाएगा, इस तरह की संभावना कम है। फिलहाल जो बाजार है, जो आने वाला सप्ताह है, उसके अंदर की जो स्थितियाँ लगती हैं कि ये जो आज भरतपुर का भाव 5800 या 5825 है, ये करीब करीब 100 रुपये बढ़ने की तरफ जा सकता है अगले सप्ताह। पूरे सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सप्ताह के अंदर बाजार 5900 से 6000 की तरफ बढ़ सकता है अगर आवकों की स्थिति यही रही, अगर विदेशी तेलों ने थोड़ा सहयोग दिया, KLC थोड़ा मजबूत रही, अदर स्थितियां अगर अनुकूल रही, तो ये सरसों का भाव आगे अगले सप्ताह के अंदर लगभग 100 से 200 रुपए तक, पूरे सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सप्ताह में बढ़ने की संभावना रखता है। फिलहाल जो दूसरे तेल हैं जैसे मूंगफली का तेल है, उसके अंदर भी बाजार अगले सप्ताह जो राजकोट का भाव 1500 रुपये है फिलहाल, वो 1525-50 की तरफ बढ़ सकता है। बिनोला तेल में हालांकि मंदे का कोई कारण नहीं है, लेकिन डिमांड नहीं होने के कारण बाजार एक जगह पर ठहरा हुआ है। 915-920 रुपये का भाव राजकोट और कड़ी का ये ठहरा ही हुआ है, इसमें कभी 5 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी 5 रुपये घट जाते हैं, इतनी सी स्थिति है। लेकिन अगले सप्ताह के अंदर इस तेल में भी सुधार होने की प्रबल संभावना है, 5 से 10 रुपये एक बार सुधार होगा, फिर बाजार आगे बढ़ने की तरफ जा सकता है। दूसरी सरसों तेल में आज 1175 रुपये प्रति 10 किलो का भाव है, कच्ची घाणी का 1165 रुपये का भाव है, आपका जो एक्सपेलर का भाव है जयपुर का 10 किलो का, इस तेल के अंदर मुझे ठीक ठाक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि अगले सप्ताह के अंदर ये 1200 रुपये के लेवल को क्रॉस कर सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। प्लांटों के भाव तो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया, फिर भी शमशाबाद, दिगनेर और आगरा प्लांट में, सलोनी प्लांट में 6600 रुपये का भाव है, अलवर का भाव है 6550 रुपये और कोटा का भाव है 6500 रुपये।
भरतपुर मंडी जैसा मैंने बताया 5771 रुपए पर, यानी कल जो भाव था उस पर ही खुला था, लेकिन इस समय भाव 5800 से 5825 रुपए बोला जा रहा है। यही भाव नडबई मंडी का है। जयपुर 6125 रुपए, दिल्ली 6025, चरखी दादरी 5975, सुमेरपुर 6025, बरवाला 5650, हिसार 5700, मुरैना 5600, ग्वालियर 5700, खैरथल मंडी 5850, अलवर 5600, खेरली मंडी 5850, गंगापुर सिटी 5831, अबोहर मंडी 5740, नोहर मंडी 5750, टोंक 5780, निवई मंडी 5800, खेरली 5830, आदमपुर 5725, रेवाड़ी 5800, टोंक मंडी मैंने बता दिया, गंगापुर सिटी भी मैंने बता दिया, गंगानगर 5735 और नागौर 5600 रुपये, कोटा 5600 रुपये, बीकानेर 5500 रुपये, सिरसा 5540 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।